हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस वक्त जो आपके पर्सन है वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके थाट्स में, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, ये देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं सिर्फ उन्हीं को रखिए, बाकी को जाने दीजिए। सो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो। सॉरी, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो फर्स्ट कर्णपस आ चुका है जस्टिस का, एंड जो नेक्स्ट कर्णपस है वो है द मैजिशियन का, और इसी के साथ साथ हमारा जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ वॉन्ट्स। देन हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड हम और लेंगे, और जो नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है वो है द फूल का, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप अपने पर्सन से जो है वो सेपरेशन में हैं, आप लोगों में बात नहीं हो रही है, जिस वजह से जो आपके पर्सन हैं वो आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स हैं इस पर्सन के माइंड में जो ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में इस वक्त जिस पर ये पर्सन जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, शायद इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए इन्होंने हमेशा जो है ना आपको गलत ठहराया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो व्यक्ति है वो ऐसे ही है कि जब बात इन पर आए ना तो ये हमेशा दूसरों पर ही उस बात को टाल देते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसी ही थोड़ी एनर्जी इनकी लग रही है कि अपने ऊपर कभी कोई बात नहीं आने देते, अपने डिफेंस के लिए इन्हें जो करना पड़े वो ये व्यक्ति जो है ना वो करते हैं, बस इनके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, ये कभी गलत नहीं हो सकते, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। बट मैं देख रही हूँ कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी ऐसा इनफेयर किया है जो अच्छा नहीं है, नहीं था, तो फाइनली जो है ना आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको जिस सवाल का जवाब इनसे चाहिए ना वो अब आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं ना वो बिल्कुल होगा। आप हो सकता है कि आप भी इनसे क्लैरिटी चाह रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया, जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, जो रूडनेस इन्होंने आपको दिखाई है, आप अब उनका जवाब चाहते हैं कि क्यों किया इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा। और मुझे ऐसा लग रहा है ना सॉरी कि जो पर्सन है वो रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, अब ये पर्सन रुकेंगे नहीं। हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान या फिर रीडिंग के बाद ही आज रात को ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत सारे थॉट्स हैं इनके माइंड में, इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और हो सकता है जब ये पर्सन आपसे बात करने आए या आपको कॉन्टैक्ट करे तो वहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जिस वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाएँ। तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा कि अगर ये आपसे बात करने आते हैं तो आप शांत रहकर ही इनसे बात कीजिएगा, आप कुछ ऐसा मत कहिएगा कि जिससे आप लोगों के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बढ़ जाएँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो जब आपसे बात करेंगे ना तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जो है ना इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे, और जितने क्वेश्चंस आप इनसे करेंगे ना उससे डबल क्वेश्चंस ये पर्सन आपसे करने वाले हैं, पूछने वाले हैं आपसे। और इसी के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो खुद भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, भले ही पर्सन जितना मर्जी ऐसा दिखा लें कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन एक्चुअली जो है ना ये खुद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इन्हें एक मौका चाहिए। अब वो मौका आपसे आर्ग्यूमेंट्स करके हो या फिर आपको प्यार से मना कर हो, बस इन्हें एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ। अक्सर मैंने देखा है कि लोग ऐसे ही करते हैं जब उन्हें बात करनी होती है, तो जो ईगोस्टिक लोग होते हैं और जो अपने आप को हमेशा सही बताते हैं ना, तो वो ऐसा ही करते हैं, सामने वाले से या तो लड़ाई करने का बहाना आर्ग्यूमेंट्स के दौरान जो है वो बात स्टार्ट करना आपके साथ चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति भले अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं चीज़ें ठीक हों। और अगर आप भी चाहते हैं कि पर्सन आपके पास आए ना, तो बिल्कुल ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, भाई आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या कुछ भी ऐसे वर्ड्स बोले हैं ना, तो फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है।
और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास आए तो ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे. इसलिए स्टे पॉजिटिव और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए. कुछ भी नेगेटिव, एक भी थॉट जो है अपने माइंड में नेगेटिव मत आने दीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं. रेडी कभी भी आपको जो है ना पर्सन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो रेडी रहिए इस चीज़ के लिए. कभी भी पर्सन जो है वो आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है ना वो आपको टेक्स्ट ही करेंगे, जिसमें पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें कहने वाले हैं. क्योंकि इन एक्चुअल तो ये पर्सन आपसे बात स्टार्ट करने का, इनको एक मौका चाहिए ना, एक बहाना चाहिए. तो बहाना कैसे भी हो तो इनको तो आपकी तरफ आना ही आना है. एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे जो कार्ड था वो था 10 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड जस्ट उसके नीचे हमारे पास जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का. क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं ना, कनेक्टेड हैं आपसे, आपके साथ इन्होंने अपना फ्यूचर देखा है, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं. भले ही पर्सन थोड़े से रूड हैं, ईगोस्टिक हैं, बट इन एक्चुअली पर्सन जो है ना वो आपसे कनेक्टेड है. आपके साथ ही इस पर्सन को जो है ना अपना अपना फ्यूचर दिखता है, आपके साथ ही इन्हें कंप्लीट फील होता है. सो अभी के लिए इतना ही. अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा. मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.